हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज का डेट है 25 अक्टूबर 2022। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज का जो डेट है, आज मार्केट जो था कंसोलिडेट के बाद ऊपर गया, नीचे भी गया, दोनों तरफ का मोमेंटम देखने को मिला। कल है बुधवार और कल का मार्केट बंद होगा। परसों यानी कि डायरेक्ट हम मार्केट में ओपन होने वाले एक्सपायरी के दिन, बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन डायरेक्ट मार्केट ओपन होगा, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो गाइस आज मैं आपको बैंक निफ्टी का सिर्फ एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से एक्सपायरी के दिन हम लोग मोमेंटम ले सकते हैं। आपको मैं पहले बता दूं गाइस, इस बार को जो एक्सपायरी होने वाला है, एक मोमेंटम वाला एक्सपायरी होने वाला है। पिछली बार की तरह ये एक्सपायरी आपको साइडवेज होने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम एक्सपायरी में 150 से 200 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी आपका सिमट के रह गया था, ऊपर नीचे मोमेंटम करता हुआ। बट इस बार जिस तरफ ब्रेक करेगा, आपको 300 से 350 पॉइंट आपको वन साइडेड आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए वो कौन सा मोमेंटम हो सकता है, पोटेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, एक बार एनालिसिस करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आज जो मार्केट हमारा क्लोज हुआ वो लगभग 41,120 के आसपास हुआ है, 41,120 के आसपास क्लोजिंग है। आपको एक चीज और दिखा दूं गाइस, यहाँ पे मार्केट लास्ट टाइम इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, यह 41,380 के आसपास, 41,380 के आसपास से रेजिस्टेंस हिट हुआ। सेकेंड टाइम आप देखिए यहाँ पर दोबारा लगभग 41,500 के आसपास से ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर, यहाँ पर देखिए 41,500 के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। इस बार आप देखिए यहाँ पर तो मार्केट जो है लगभग 41,500 पे आया और एक रेजिस्टेंस बनाया है। अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखते हैं, फिलहाल ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप मान सकते हैं कि ये एक बियरिश इंगल्फिंग है, ये एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे दिखता हुआ बन रहा है। आप बोलेंगे कि सर ये तो ग्रीन नहीं है, ये रेड है, बट ये क्या है, ये वाला कैंडल आपका इनडिसाइसिव कैंडल है, इनडिसाइसिव डोजी काइंड ऑफ है, ऊपर और नीचे बराबर ही गया था, तो छोटा सा बॉडी है। अगर मैं उसे ग्रीन मानता हूँ, क्योंकि मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ था, तो उसको मैं ग्रीन ही एज्यूम करता हूँ। तो ये वाला जो कैंडल है एक बियरिश इंगल्फिंग है। अगर यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग बनता है गाइस, मार्केट को नीचे लेकर के जाने की पोटेंशियल होती है डेली टाइम फ्रेम में। चलिए एक छोटा सा टाइम फ्रेम में जाते हैं, इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। गाइस एक चीज और आपको बता दूं, जब भी आप इंट्राडे करें एक्सपायरी के दिन, जरूर स्टॉप लॉस जरूर यूज करिए, स्टॉप लॉस जरूर करिए, क्योंकि आपका जो एक्सपायरी डे होता है काफी एक लंबा मोमेंटम होता है, और मोमेंटम के बाद छोटे मोमेंटम में भी आएगा तो आपका क्या होगा, प्रीमियम का डीके होता है, जो वहां पर आपको थीटा का डीके होता है काफी फास्ट होता है। तो ये सब चीज को बचने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग के स्टाइल को बदलना होगा गाइस, आपकी साइकोलॉजी को और टेक्निकल एनालिसिस को बदलना होगा। देखिए आपको मैंने बताया थर्सडे के दिन किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन यहाँ पर बैंक निफ्टी का बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा गाइस ये बेहतरीन प्राइस एक्शन क्यों है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, लेवल को देखने के साथ साथ गाइस समझने की कोशिश करिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगर मार्केट इस दोनों के ये लेवल के बीच में ओपन होता है, यानी कि मार्केट आपका लगभग 41,300 से लेकर 41,000 के बीच में अगर ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम अगर यहाँ पर बिताता है और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा, ये दोनों पर यहाँ पर अगर टाइम बिताने के बाद अगर अपसाइड मोमेंटम आता है, तो आपको शार्प यहाँ पर 250 से 300 पॉइंट ऊपर देखने को मिलेगा। इसकी चांसेस थोड़ी सी कम लग रहा है, लेकिन चूंकि डॉ जोन्स जो है, और आप देखिए डॉ जोन्स ये बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहा है, डॉ जोन्स का भी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ था ऊपर की ओर डेली टाइम फ्रेम में भी और इंट्राडे में भी। उसके बाद आप देखिए तो ई मिनी डॉ जोन्स का भी अच्छा प्राइस एक्शन मुझे यहाँ दिख रहा था, तो शायद ये बैंक निफ्टी को गैप अप ओपन कर दे, एक अलग मुद्दा होगा, बट देखते हैं अगर गैप अप नहीं ओपन होता है तो क्या होगा। अगर इस रेंज में ओपन होता है और टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, यानी 41,500 को, तो आपको शार्प यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है, 41,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, फर्स्ट टारगेट होगा गाइज वो होगा 41,650 का, 41,650 का हमारा पहला टारगेट होगा अगर 41,500 के ऊपर निकलता है तो 150 पॉइंट। सेकेंड जो टारगेट होने वाला है 41,750 का है, 41,750 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये वन वे मूव आपको देखने को मिलेगा, ये लगभग वन वे मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर ऊपर में नहीं ब्रेक करता है और टाइम बिताने के साथ, या फिर मार्केट ओपन होते ही 5 या 10 मिनट में ब्रेक डाउन आता है इस लेवल का गाइस, ये वाला लेवल का ब्रेक डाउन आता है, तो आपको एक बहुत बढ़िया बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से कोई भी 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, तो सेकेंड टारगेट जो आपका आने वाला है वो एग्जैक्टली 40,650 का आने वाला है गाइस। 41,000 का लेवल ब्रेक करता है
तो आपका नेक्स्ट टारगेट 40,650 यानी 350 पॉइंट आपको वन डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मोमेंटम के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में है तो आप दो पार्ट में बांट सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस लेवल पे भी एक सपोर्ट बनने की कोशिश किया था, ब्रेकआउट आया था। तो फर्स्ट सपोर्ट आप ले सकते हैं 40,820 का। अगर 41,000 के नीचे आता है तो 40,820 फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट अगर यहाँ से 5 मिनट का ब्रेकआउट आता है, सेकेंड टारगेट 40,650 का होगा गाइस। अगर फर्दर इन बिटवीन कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है और इस लेवल को स्लाइड करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा 40,200 का टारगेट हो सकता है, 40,220, 40,230 के आसपास का टारगेट हो सकता है। ये सारे प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल दिया है। यहाँ पर आपको दिखा दूं प्राइस एक्शन लेवल मैंने क्यों बताया। आज मार्केट में क्या हुआ था देखिए, इसी लेवल पे मार्केट क्या हुआ, जब लास्ट टाइम मार्केट ने ओपन होने के बाद ये वाला एक हाई बनाया था। अगर एक गैप अप होगा तो आप लोगों को गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी मैंने बताया हुआ है अपने यूट्यूब के लाइव सेशन में। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है और स्लाइटली नीचे आता है गाइस, कोशिश करता है इस लेवल को टच करने का। तो आज आपको कॉल और पुट दोनों मैंने बताया था, बहुत बेहतरीन चला था। आप देखिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इस लेवल पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपका मार्केट ऊपर गया। फर्स्ट आपको बताया था यहाँ पर कि ये 3 कैंडल्स है, ये दो कैंडल रेड के बीच में अगर 3 ग्रीन बनता है तो मार्केट को नीचे लेकर के आता है वो। तो दोनों प्राइस एक्शन आपका बेहतरीन चला था गाइस यहाँ पर, राइट। तो बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया, थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है, इस लेवल के नीचे अगर आता है फर्स्ट टारगेट आप ये लीजिए, सेकेंड टारगेट आपका ये है, आप ड्रॉ कर सकते हैं लेवल को, मार्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर और फर्दर नीचे आता है तो ये हमारा टारगेट होगा। यहां से ब्रेक करते ही फर्स्ट टारगेट होगा 40,800 का, सेकेंड टारगेट होगा 40,630 का, थर्ड टारगेट होगा 40,390, 40,400 का लेवल गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद नीचे आए, ऊपर में अगर ब्रेक करेगा तो इस लेवल का या फिर 40,500 के ऊपर ही हमारा ट्रेड होगा, या 40,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम 100 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस के छोटा छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर आगे बढ़ सकते हैं गाइस। ये है आपका बैंक निफ्टी का प्योर प्राइस एक्शन के साथ एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, और मैं सारे लर्निंग के वीडियो साथ ही साथ लर्निंग के लिए जो भी लाइव अपडेट मार्केट में आता है, जो प्राइस एक्शन बनता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता रहता हूँ गाइस। ओके, तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, कल फिर वीडियो बनाऊंगा निफ्टी के लिए और 5 जबरदस्त स्टॉक्स बताने वाला हूँ कल। तो आज के लिए सिर्फ बैंक निफ्टी देखिएगा जरूर, अपना प्यार दीजिएगा गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।